Is the presentation visible to everyone? Yes, sir. Ashok, can you make sure it? Yes, sir. Okay. So now we're just gonna start with the presentation itself. It is going to be a very clean and crystal kind of presentation for you. So अभी इस वक्त से जो है हम हिंदी में ही बात करें, कोशिश करेंगे हिंदी में इस पूरी प्रेजेंटेशन को हम कंडक्ट करें, और जितने भी हमारे भाई और बहन जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबसे मैं चाहूँगा, उन सब प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स से, प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी से चाहूँगा कि जिनको भी कोई भी डिफिकल्टी है हिंदी में समझने में वो डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप नंबर पर पिंग कर सकते हैं। हमारा मल्टीलिंगुअल कस्टमर केयर सपोर्ट जो है वो आप तक पहुँच जाएगा। सो दिस कन्वर्सेशन इज गोइंग टू बी इन हिंदी फॉर मोस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। If anyone is having any trouble understanding the presentation in Hindi, they can definitely reach out to our numbers that is 7398242487 or 7007026366. In numbers pe, you can just contact on these numbers and we will definitely get you the support with our multilingual staff. So without any delay, we are just going to start with the presentation. So now, coming here with the presentation. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आई वॉश हब नाम से एक ब्रांड हमें दिख रही है जिसकी टैगलाइन है और कहीं नहीं जाना। ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2012 से और ये इंडिया की पहली लाइव लॉन्ड्री कैफे चेन भी है। इन तीनों चीज़ों को हम समझाएंगे आपको 2 मिनट के अंदर। आई वॉश हब का लोगो देखते ही आप समझ जाते हैं कि ये बात जो हो रही है एक ऐसी ब्रांड के बारे में बात हो रही है जिसका ताल्लुक साफ सफाई, हाइजीन और इन सब चीज़ों से है। तो आई वॉश हब और कहीं क्यों जाना टैगलाइन क्यों यूज़ की हमने, और कहीं क्यों जाना टैगलाइन यूज करने का हमारा बेसिक मोटो ये था कि आई वॉश हब को एक इस तरीके का हब बनाया जाए सारी ड्राई क्लीनिंग क्लीनिंग सर्विसेज के लिए, जिसके बाद कस्टमर को किसी और वेंडर के पास, किसी और ब्रांड के पास, किसी और स्टोर में, किसी और शॉप पे ना जाना पड़े। उसको जितनी भी सर्विसेज चाहिए हाइजीन और क्लीनिंग के रिगार्डिंग, जैसे कि आज की डेट में होम सैनिटाइजेशन सर्विसेज हो गए जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने मोस्ट ऑफ द स्पॉट्स पे, शू ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज हो गई, लॉन्ड्री सर्विसेज हो गई, ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज हो गई, वैक्यूम आयरनिंग सर्विसेज हो गई, इन तरीके की सभी तमाम सर्विसेज हम लोग अंडर वन रूफ प्रोवाइड कर सकें। तो इसके लिए बहुत कठिन मेहनत की गई हमारी टीम के द्वारा इन सारी सर्विसेज को अंडर वन रूफ, अंडर वन ब्रांड मैनेज करने के लिए, और आउटकम आपके सामने है कि आज हम आपके सामने इन सब चीज़ों को लेकर के मौजूद हैं। ये काम करना हमने 2012 से स्टार्ट किया। हमने कई सारे बड़े बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया, कंसल्टेंसी प्रोवाइड की। हम अभी भी वो कंसल्टेंसी बिजनेस भी हम प्रोवाइड करते हैं जो लोग बड़े सेटअप्स लगाना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक सेटअप्स, तो उनके लिए भी हम सारी चीज़ें वर्कआउट करते हैं। तो इस ब्रांड का गठन 2012 से हुआ और 2015 के बाद से इस ब्रांड को हमने डोमेस्टिक लेवल पे काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया, और आज 2020 है कि हम एक अच्छे इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ में एक अच्छी एक बड़ी ब्रांड के साथ बैठे हुए हैं जिसपे कि हर साल 4 से 5 तरीके के सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स जोड़ते हैं जो आपको लाखों कस्टमर्स तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ साथ आई वॉश हब ऑफिशियली इंडिया की पहली लाइव लॉन्ड्री कैफे की चेन भी है। लाइव लॉन्ड्री कैफे का कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट है कि जब आपका कस्टमर आपके यहाँ आकर के एक घंटे में कोई सर्विस चाहता है, आधे घंटे में कोई सर्विस चाहता है, उसके पास वेटिंग के लिए कोई एरिया नहीं होता, वो आजकल की धूप में या बारिश में नहीं खड़ा हो सकता है, तो एक कस्टमर लॉन्च का कॉन्सेप्ट लाया गया। वो कस्टमर लॉन्च में कस्टमर बैठ सकता है आपके स्टोर के अंदर। एक आई कैफे नाम से भी एक फ्रेंचाइजी हम देते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होती है, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। इस आई कैफे की फ्रेंचाइजी में आपके कस्टमर्स चाय, कॉफ़ी, बर्गर, शेक जैसे कई तमाम सारे रेडी टू ईट स्नैक्स का लाभ उठा सकते हैं। ये कैफे की जो फ्रेंचाइजी है ये ऑप्शनल है, जिस लोकेशन पे हमें लगता है कि इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है उस लोकेशन पे हम इसको करते हैं। तो ऑफिशियली इंडिया की पहली लाइव लॉन्ड्री कैफे चेन है और आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो इकलौती भी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं कि इस इंडस्ट्री के बारे में क्या ख्याल है अपना। अब बिजनेस तो आप जान ही जाओगे, ब्रांड आप थोड़ा बहुत जान ही चुके हो, बट हमारा ओवरलुक थोड़ा बड़ा है। हमारा ये बिजनेस कॉन्सेप्ट हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे निकल चुका है, तो इसको जानने के लिए हमें बहुत बड़ी इंडस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट बनना बड़ा ज़रूरी है। बहुत बड़ा पार्ट बन पाए ना बन पाए, लेकिन एक छोटा पार्ट बहुत बड़ी इंडस्ट्री का हम ज़रूर बन सकते हैं। इसी के साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड पेज, अ मल्टी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी। वॉट डू वी गेट इट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट? इंडिया का लॉन्ड्री मार्केट या क्लीनिंग मार्केट मैं कहूँ तो
मोर देन 53 खरब रुपए से ज्यादा का, 53 खरब रुपए से ज्यादा का या 54 खरब रुपए का हूँ उससे ज्यादा का अनऑर्गेनाइज लॉन्ड्री ट्रेड होता है, और भारत आजाद होने से आज तक 4% का ही ट्रेड ऑर्गेनाइज हो पाया है। तो ये एक बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज गैप छोड़ता है हमारे और इस अनऑर्गेनाइज बिजनेस के बीच में। अगर हम आजादी से अब तक 4% तक पहुंच पाए हैं, उसके बावजूद हमारी जैसी कंपनीज अगर मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी बन सकती है या मल्टी मिलियन रुपीज कंपनी बन सकती है इन एनी ऑफ द केस, तो जितने लोग इस कंपनी के साथ, इस ब्रांड के साथ जुड़े हैं, उनकी भी वर्थ कुछ ना कुछ तो आने वाले 1 से 2 साल में 1-2 CR तक हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये बिजनेस आपको करोड़पति नहीं बनाएगा रातों रात, ये कॉन्सेप्ट आपको करोड़पति नहीं बनाएगा, ये इंडस्ट्री आपको रातों रात करोड़पति नहीं बनाएगी, लेकिन संभावनाएं 99% आपको सामने सामने दिखती हैं। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को आगे लेकर के बढ़ें तो वी विल गेट टू नो कि हाउ वी आर गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। नाउ द मार्केट इज अनटैप्ड, इस मार्केट को अभी तक टैप नहीं किया गया है, मात्र 4% का बिजनेस आज की डेट तक ऑर्गेनाइज किया जा सका है। इस बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने में, हमारी जैसी आईवॉश अब जैसी कई अन्य कंपनीज का भी सहयोग रहा है, जैसे कि हम बात करते हैं आपके ट्रेडिशनल धोबी, आपके ट्रेडिशनल ड्राई क्लीनर्स, इस तरीके के तमाम कॉन्सेप्ट है जिन्होंने इस मार्केट को आगे बढ़ाया। लेकिन हर एक बिजनेस में, हर एक कॉन्सेप्ट में कुछ कमी रह जाती है जिनको आजकल हमारे जैसे स्टार्टअप करके सुधारते हैं और मार्केट का पूरा पूरा लाभ लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मार्केट में लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी या नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा 3-4 साल पीछे जाएं पास्ट में, तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से इन सर्विसेज ने एक नया रुख लिया। तो आज की डेट में हम अगर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करें या दो कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करें, इस फास्ट मूविंग कंज्यूमर मॉडर्न लाइफ में अगर हम देखें, तो एग्जिस्टिंग सर्विसेज को अगर नए तरीके से कस्टमर्स को प्रोसेस कराया जाए तो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री का बहुत सारा फायदा उठाया जा सकता है, जिसका फायदा कि हम देख सकते हैं ऊबर और ओला जैसी कंपनीज ने इंडियन मार्केट में टैक्सी या ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के साथ उठाया। ये एक बहुत बड़ा और एक बहुत उमदा एग्जांपल है जो कि हर एक आदमी कोरिलेट कर सकता है। हमारे पास बस, टेम्पू, ऑटो जैसी कई सारी सुविधाएं पहले से अवेलेबल थी, लेकिन जब ओला उबर जैसी कंपनीज आई, उन्होंने कुछ ऐसी हिडन प्रॉब्लम्स थी जो हर एक इंसान को फेस करनी पड़ती थी, लेकिन हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था तो हम अपनी आवाज नहीं उठा पाते थे। इन सारी सर्विसेज के रिगार्डिंग इन कंपनीज ने हमें हेल्प किया, हमें सपोर्ट किया। इन सपोर्ट और इन हेल्प के बाद में हम आगे बढ़े तो हमें पता चला कि यार इससे आगे भी कुछ हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में ऑटो टेम्पू के आगे भी कुछ हो सकता है। ऐसा भविष्य भी होगा कि हम मोबाइल से अपनी कैब बुक करेंगे और रात को, चाहे सुबह चाहे आधी रात को, हमारी कैब हमारे घर तक आएगी। उस एसी कैब में बैठ के हम 50 से 100 रुपए जैसा किराया दे करके अपनी डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं, जो कि पहले संभव नहीं था। पहले इस मार्केट को बहुत गंदी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो इन कंपनीज ने कहीं ना कहीं एक लूप होल देखा, एक गैप देखा जो फिल नहीं हो पा रहा था, जो कि कंज्यूमर फिल नहीं कर पा रहा था। उस गैप को फिल करते हुए इन कंपनीज ने अपने प्रोजेक्ट्स को निकाला, उन लूप होल्स को वर्कआउट किया, और आज की डेट में ये लाइव एग्जांपल है कि कैसे इस तरीके की कंपनीज मार्केट में छा गई। जस्ट लाइक आई वॉश अप इन द इंडस्ट्री ऑफ लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग, वी आर द पायनियर राइट नाउ। सिमिलरली आप इस तरीके से कई अदर कंपनीज का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जोमेटो हो गई, ऊबर हो गई, अमेजोन हो गई। आज की डेट में एक सामान जो 10 दुकान छोड़ के भी आपको मिल जाता है, बट आप कोशिश करते हो अमेजोन से मंगाओ। तो इन एग्जाम्पल्स में हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बट आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, द एसेंस दैट आई वॉन्ट टू गिव यू, जो एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, आई गेस वो एग्जाम्पल आपको अभी मिल गया होगा। सो एज वी कैन सी, न्यू एज कस्टमर्स जो कि 18 साल से लेकर 45 साल तक की उम्र के बीच में है आज की डेट में, जिनके ऊपर ये इंडस्ट्री चल रही है, 128-130 करोड़ का जो हमारी पॉपुलेशन है जो रन कर रही है, उसकी बात करूँ तो इन लोगों को हर चीज़ वैल्यू फॉर मनी चाहिए, जिसमें कि मैं भी इंक्लूडेड हूँ और शायद हमारी अभी की ऑडियंस में ज़्यादातर लोग उसी रेंज में इंक्लूडेड हैं। तो हम लोगों को सारी चीज़ें सोफिस्टिकेटेड वे में चाहिए, अच्छी पैकेजिंग में चाहिए, अच्छे अल्टरनेटिव चाहिए, हाई क्वालिटी चाहिए, रेट्स भी अफोर्डेबल चाहिए, हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो हम हमेशा कंपेयर करके सामान खरीदते हैं कि यार वहाँ पे इतने का मिल रहा है तो यहाँ पे कितने का मिलेगा। तो ये न्यू एज कस्टमर है, इसको बेवकूफ़ बनाना, उल्लू बनाना आसान बिल्कुल नहीं है। ये उसी चीज़ के लिए पैसा देता है जो इसको वैल्यू फॉर मनी दे। वन ऑफ द एग्जाम्पल की MI जैसी कंपनीज कैसे इस मार्केट में, इंडियन मार्केट में आकर के पहले से वेल एस्टेब्लिश कंपनीज को मार्केट से खदेड़ पकाया, बिकॉज वो हमसे सेम मोबाइल्स का या सेम मशीन्स का
इतना एक्सेस पैसा चार्ज करते थे कि इन कंपनीज ने आकर के उस मार्केट को इतना ज्यादा कम्पीट कर दिया कि अब उनको ये मार्केट छोड़ करके जाना पड़ा, जिसमें कि सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनी शामिल हैं जिनका मार्केट शेयर ड्रास्टिकली खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट अगर कंपेयर करें एमआई और रेडमी जैसी ब्रांड से। सो इनफैक्ट इन सब चीज़ों से कंक्लूजन निकलता है कि चेंज इज गुड एंड इनफैक्ट अनअवॉइडेबल। हम चेंज हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है और अच्छी हो ना हो ये अनअवॉइडेबल भी है, हमें गो विद द फ्लो करना ही पड़ता है, हमें फ्लो के साथ आगे बढ़ना ही पड़ता है। इसी के साथ साथ बिना अपना टाइम वेस्ट किए आपका टाइम वेस्ट किए अब आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशंस इन टुडेज लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग इंडस्ट्री। अभी सर कोई प्रॉब्लम होगी तभी उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा, अगर हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है सोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है वहां पर। बट सोल्यूशन है और प्रॉब्लम भी है तभी उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब प्रॉब्लम्स किस तरीके की आती हैं, एवरीडे चैलेंज क्या होते हैं लॉन्ड्री और क्लीनिंग चोर्स में, ये हम जानेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। जाहिर सी बात है प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में डिफरेंट तरीके की होगी, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके साथ हर एक व्यक्ति कोरिलेट कर सकता है। तो होता क्या है, जब ये साफ सफाई का अभियान हम अपने हाथों से अपने घर में स्टार्ट करते हैं तो कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये कई सारे लोग कोरिलेट कर सकते हैं, जिसमें से कि हमारे वर्किंग क्लास लोग बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर पाते हैं इस बात को, हमारे जो माइग्रेटेड स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ज़्यादा कोरिलेट कर पाते हैं, वर्किंग कपल्स कर पाते हैं, सिंगल पेरेंट्स कर पाते हैं, या फिर एक कंबाइंड फैमिली वाले लोग कर पाते हैं जिसमें मोस्टली सारे मेंबर्स अपने अपने काम में लगे हुए हैं। बिजनेसमैन कर सकता है इस चीज़ को कोरिलेट, जिसको हर चीज़ टाइम पर प्रिफर्ड होती है, वो कस्टमर रेंज कर सकती है जिसको हर चीज़ समय पर चाहिए होती है, परफेक्शन के साथ चाहिए होती है। तो जब ये हथियार अपने हाथ में उठाए जाते हैं, जब ये जिम्मा उठाया जाता है कि गाड़ी मैं खुद से धुलूंगा, जब मैं अपना जो है जूता खुद से धुलूंगा, अपना कपड़ा खुद से ड्राई क्लीन करूंगा, लॉन्ड्री करूंगा या प्रेस करूंगा, तो हमें पता चलता है कि बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जबकि हमारे पास खुद की लाइफ में समय नहीं बाकी है, तो हम इस काम में कहाँ से समय निकालें। हेक्टिक लाइफ स्टाइल है आजकल सबकी, एजुकेशन को भी ध्यान देना है, कैरियर पर भी ध्यान देना है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड स्पेस है, नॉट एवरी वन इज एज रिच, कोई हर इंसान उतना रिच नहीं है कि वो 2000-4000 स्क्वायर फीट के घर में रह रहा हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 600-800 स्क्वायर फीट के घर में भी रहते हैं। तो जाहिर सी बात है हम ज्यादा से ज्यादा जगह जो है अपने रहने के लिए निकालते हैं, ना कि कपड़े सुखाने के लिए और लॉन्ड्री करने के लिए। मशीन्स अगेन बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत से लोगों के लिए अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट समझ रहे हैं, एक रिक्वायरमेंट होती है एक्सपेंसिव केमिकल्स की एक अच्छे रिजल्ट के लिए, पानी की शॉर्टेज है, पानी की वेस्टेज भी बहुत होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत हाई है इस समय हर एक जगह, तो लाइट की कटौती की भी एक बहुत बड़ी समस्या है कई लोकेशंस पे, जो कि अच्छी अच्छी वेल एस्टेब्लिश सिटीज की भी बात करूं तो पानी और बिजली की कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों को इन सब कामों में बहुत ज़्यादा हर्डल पैदा करती हैं, और उन्हें एक अच्छे अल्टरनेटिव की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब उन्हें वो एक अच्छा अल्टरनेटिव मिलता है मार्केट में, तो वो दो रूप में मिलता है, सिर्फ उन जगहों पर जहाँ पर आईवॉश अब नहीं मौजूद है वहाँ पर लोगों के पास दो अल्टरनेटिव होते हैं। अल्टरनेटिव क्या होता है, पहला अल्टरनेटिव ये होता है कि या तो धोबी से कपड़े धुलवाओ, जो कि धोबी घाट में ले जाकर के नाले के किनारे कपड़े धुलेगा और कोयले वाली आयरन से आपके कपड़ों की ऐसी तैसी करके आपको वापस पकड़ा देगा। कई बार ये कपड़े जल भी जाते हैं, खराब भी हो जाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो एक धोबी है, वो एक बेचारा आदमी है, आप उससे क्या वसूल करोगे। तो कई बार हमें ये सब चीज़ें देख करके सोच करके अपना मन मारना पड़ जाता है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, ये जिंदगी की एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि हर एक अच्छे से अच्छी पॉट्स लोकेलिटी के बाहर भी आप देखोगे तो एक छोटू या एक धोबी बैठा ही होता है, जो कि अपना एक गद्दा डाल के एक तखट डाल के आपके कपड़ों को कोल आयरन करता है। तो इस बात से इतना तो हम समझ गए कि सोसाइटी बहुत हाई प्रोफाइल हो चाहे सोसाइटी एक लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी हो, कपड़े प्रेस कराने की ज़रूरत तो सबको है, कपड़े धुलवाने की ज़रूरत तो सबको है, हमारे पास सर्विसेज कई सारे हैं, एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग को ही पकड़ के चल रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी सर्विस है जिसकी रिक्वायरमेंट हर एक क्लास में हर एक व्यक्ति को होती है और हर एक इंसान इस सर्विस से अपने आप को कोरिलेट कर सकता है। तो ये तो हो गई धोबी की बात, जहाँ पर थोड़ा सस्ता तो ज़रूर पड़ जाता है लेकिन क्वालिटी के साथ हाइजीन के साथ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब बात करते हैं ड्राई क्लीनर्स की, ड्राई क्लीनर्स के साथ क्या सीन रहता है। ड्राई क्लीनर्स बहुत ही एक्सपेंसिव ऑप्शन है हमारे लिए, हम रोज़ रोज़ नहीं करा सकते हैं, जिस काम को धोबी 15-20 रुपए में करता है उसी बात के लिए ड्राई क्लीनर आपसे 100-150 रुपए तक चार्ज करता है। पेट्रोल जैसे कई सारे अन्य केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, कैसी फैसिलिटीज़ होती हैं आपको नहीं पता होता कि आपके कपड़ों के साथ कौन से हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के कपड़े धुले गए हैं, आपको कुछ भी नहीं पता होता, आप हाइजीन को कहीं से भी एसेस नहीं कर सकते हैं,
वो आपको कभी नहीं दिखाता कि कपड़े कहाँ धुले जा रहे हैं। हर कोई आपसे यही बोलता है कि हमारी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में हम ये कपड़ा धुल के दे रहे हैं। आपके लिए मुश्किल होता है अपने कपड़ों को उठा उठा करके लेके जाना इधर से उधर, उधर से इधर, आप गंदे कपड़े लेके पूरे मार्केट में घूमे। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस ड्राई क्लीनर्स के पास जीरो होते हैं और सर्विसेज बड़ी अनरिलायबल होती हैं, कभी टाइम पे डिलीवरी नहीं मिलती। आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि शादी के सीजन में एक कपड़ा एक ड्राई क्लीन के लिए सूट दिया, जिसको देने में ड्राई क्लीनर ने 4 दिन का समय बताया, लेकिन वो कपड़ा कई बार शादी होने के बाद ही आपको मिलता है, कई बार वो कपड़ा किसी और कस्टमर के पास चला जाता है, कई बार वो कपड़ा मिलता ही नहीं है सालों साल। तो अगेन अगर हम अल्टरनेटिव ढूंढते हैं तो कई सारे अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन वो अनहाइजेनिक हैं, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस नहीं है, आपके लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं देते आपको, और आप इन सर्विसेज पर रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी ऑर्गेनाइज चैनल के थ्रू नहीं आती हैं। देयर इज नो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट, देयर इज नो वेयर जहां पर कि आप जाकर के अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकें। तो इस तरीके की और तमाम अन्य तरीके की प्रॉब्लम्स रही लाइफ में, जिनको देखते हुए हमने आई वो शॉप का गठन किया और इसको इस कॉन्सेप्ट को इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। और यही रीज़न है कि हमने कुछ ऐसी सॉलिड प्रॉब्लम्स रिजॉल्व की जिनको रिजॉल्व करते करते हम इतना आगे बढ़े। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहूँगा कि माइक्रोवेव हमारे पास लगभग जितने भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस के अंदर सभी के पास मौजूद है, लेकिन जब हमारे घर में हमारे बच्चे को या हमें या किसी को पिज़्ज़ा खाने की एक तलब सी मचती है, एक ज़रूरत सी महसूस होती है कि यार पिज़्ज़ा खाया जाए आज, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट से वो डिलीवरी मंगाते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है पिज़्ज़ा तो हम घर पे बना सकते हैं, बेस चाहिए, बिना माइक्रोवेव के भी बन जाता है, 75 ऑप्शन हैं, आप यूट्यूब पे जाइए आपको दिख जाएंगे। बट जब एक्चुअल में खाने की एक ख्वाहिश जागती है अंदर से तो हम रिलाई करते हैं प्रोफेशनल्स के ऊपर, पिज़्ज़ा हट के ऊपर, डोमिनोज के ऊपर, या नियर बाय आपके जो भी एक रिटेल स्टोर होगा, एक फूड रिटेल चेन होगी, हम उस पर रिलाई करते हैं कि पिज़्ज़ा या बर्गर खाना है तो वहाँ से मंगाते हैं। हम खुद क्यों नहीं बनाते? जाहिर सी बात है हम बना तो सकते हैं, लेकिन वो क्वालिटी, वो रिलायबिलिटी, वो टेस्ट नहीं आता। उस टेस्ट के लिए, उस रिलायबिलिटी के लिए, उस प्रोफेशनलिज्म के लिए हमें पैसा पे ही करना पड़ता है। और ये एक सर्विस नहीं है, हर एक सर्विस के लिए ये बात लागू होती है। तो अगेन अगर हम ये सोचें कि घर में वॉशिंग मशीन है तो एक सब्स्टिट्यूट है, यू कैंट जस्ट डू इट योरसेल्फ। आप घर में कपड़ा सुखा लोगे, धुल लोगे, लेकिन तब पर भी प्रेस करने के लिए आपको गली मोहल्ले के छोटों की सहायता लेनी ही पड़ती है, आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी ही पड़ती है, क्योंकि एक वही लौता प्रोफेशनल है जो आपके पास अवेलेबल है अगर आपके पास आई वॉश हब का नियरेस्ट कोई स्टोर नहीं है। तो इस तरीके की तमाम समस्याएं, तमाम एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, और हम डिस्कस करते रहे तो ये मीटिंग, ये समय, ये शाम निकल जाएगी। लेकिन हमें अब आगे बढ़ना है अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमें ये जानना है कि इन सब प्रॉब्लम्स का आई वॉश हब एक अल्टीमेट सॉल्यूशन क्यों है, वी शुड नो अबाउट इट। तो आई वॉश हब इंडिया की पहली लाइव लॉन्ड्री कैफे चेन है कि जो कि 2012 से रनिंग है, सक्सेसफुली रनिंग है, विद मोर देन 40+ स्टोर्स पैन इंडिया। लाइव लॉन्ड्री कैफे से लेके कार वॉश तक हम सब कुछ धुलते हैं, वी डू क्लीन ईच एंड एवरीथिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ में और अफोर्डेबल प्राइजेस पे। ये दोनों चीज़ें एक साथ कम देखने को मिलती हैं, अफोर्डेबल और क्वालिटी, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत टफ है लाइफ में बना पाना। जो चीज़ क्वालिटी ओरिएंटेड है वो जाहिर है ज़्यादातर हमें महंगी ही पड़ती है, बट नॉट इन द केस ऑफ आई वॉश अप। आई वॉश अप के केस में ये अपोजिट है, अगर क्वालिटी अच्छी है तो प्राइस सर आपको उससे ज़्यादा अफोर्डेबल मिलेगा। तो इसी के साथ कॉर्पोरेट टाइप्स की अगर बात करें तो ओयो, ओमैक्स जैसे कई सारे अदर एस्टेब्लिश ब्रांड है जिनका हम रीजनल टाइप प्ले करके चलते हैं आई वॉश अप के साथ में, उनको भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारे डोमेस्टिक कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट है। तो इन कॉर्पोरेट टाइप्स को हम बाद में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई वॉश अप के साथ में अप टू 6 सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट एवरी ईयर मिलते हैं आपको, यानी कि 5 से 6 तरीके के सेलिब्रिटीज आपके ब्रांड को, आपके स्टोर को मार्केट में प्रमोट करते हैं, आपके स्टोर को इनोग्रेट भी करते हैं, आपके स्टोर को प्रमोट भी करते हैं डिफरेंट मीडियम से, और इन सब चीज़ों का एक नेशनलाइज प्रोपोगंडा भी किया जाता है अलग अलग मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आई वॉश अप फ्रेंचाइजी में क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो आपको मिलती हैं जो किसी और फ्रेंचाइजी में नहीं है, और क्यों आई वॉश अप को हमें साथ लेकर के चलना जरूरी है अगर हमें एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑपरेट करना है। तो इन पॉइंट्स को मैं ब्रीफ में डिस्कस करूंगा इस
पॉइंट्स के डिस्कस होने के बाद में हम 5 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट हो जाएगा। पहली चीज पहले डिस्कस करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेंसी, 24 घंटे 7 दिन, यानी कि आपके स्टोर से लेकर के आपके कस्टमर से लेकर के आपके एम्प्लॉयज से लेकर के हर एक व्यक्ति के लिए जो इस आईवॉश से जुड़ा है उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेंसी मिलती है, और आपका स्टोर आइडेंटिफिकेशन से लेकर के कंस्ट्रक्शन तक का पूरा सपोर्ट दिया जाता है, यानी कि फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जेड, फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश एंड फॉर द ईयर्स टू कम, यानी कि शुरुआत से अंत तक और आने वाले जितने भी साल हम साथ जुड़ेंगे आपको कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेंसी कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। कोई चार्ज, कोई भी हिडन फीस आपको अलग से नहीं देनी है। आपको रात को 10 बजे लगता है कोई प्रॉब्लम है, आप अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे जो कि हर एक स्टोर का बना होता है आप उस पे अपनी इंक्वायरी ड्रॉप कर सकते हैं, और आपको जो भी उसके रिस्पेक्टिव टीम है वो आप तक विद इन वन ऑफ वर्किंग आवर्स आप तक पहुंच जाती है। मल्टीपल सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, ये एक बहुत ही खास एक कॉन्सेप्ट है, जो कि अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो हम एक ऐसी लौती कंपनी है, एक ऐसी ब्रांड है अपनी इंडस्ट्री में भी और कई अन्य इंडस्ट्रीज में भी, जो 5 से 6 तरीके के अलग अलग सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स आपको एक साल के अंदर प्रोवाइड करती है। इस चेन के अंदर कई सारे कलाकार शामिल रह चुके हैं, सुनील शेट्टी, वत्सल सेठ, चिंकी मिंकी, एलिगोनी जैसे कई सारे अन्य कलाकार इस हजूर में शामिल हो चुके हैं, और इसके अंदर आने वाले टाइम में पंकज त्रिपाठी जैसे और राजकुमार राव जैसे कई सारे और भी अभिनेता और अभिनेत्री हैं इस तरीके की जो इसमें आगे पार्टिसिपेट करेंगे। ये बकायदा आपके स्टोर पे आकर के आपका स्टोर इनोग्रेट करेंगे, आपके स्टोर को प्रमोट करेंगे मार्केट में, आपके कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक प्रॉपर मीडिया बाइट्स देंगे, एक प्रॉपर इनोग्रेशन देंगे, एक इस तरीके का माहौल क्रिएट करेंगे आपकी लोकेलिटी में आपके ब्रांड के लिए, कि कस्टमर्स को अगर रात में सोते हुए भी ख्याल आए कि यार कुछ धुलवाना है सुबह उठ के, तो वो आपके आई वॉश हब के व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज ड्रॉप कर दे कि भाई साहब सुबह आकर के सामान पिक करवा लीजिएगा। ये लोगों के दिमाग के अंदर हमें फीड करना है। इस चीज को दिमाग में फीड करने के लिए हम कई सारे तरीके के सपोर्ट देते हैं कस्टमर्स को, डेडिकेटेड कस्टमर के सपोर्ट दिया जाता है, वो सपोर्ट फ्रेंचाइजी को भी प्राप्त होता है, वो सपोर्ट प्राप्त होता है आपके कस्टमर्स को भी। इसके अलावा हम उनके दिमाग तक, उनके जहन तक किस तरीके से पहुंचते हैं अपनी ब्रांड को लेकर के, वो हम करते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन एक्सटेंसिव मार्केटिंग के थ्रू। हमारे पेपर एड्स से लेकर के बैनर एड्स, रेडियो एड, इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स, टीवी एड्स, इस तरीके की कई सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं जिनका प्रोडक्शन भी हम खुद ही कराते हैं और जिनका प्रमोशन भी हम खुद करते हैं। इन एड्स के लिंक, इन एड्स का डिस्क्रिप्शन आपको आपके व्हाट्सएप नंबर्स पे मिल जाएगा, जो कि आप आगे इस चैट पे भी ड्रॉप कर सकते हैं और डायरेक्टली हमारे नंबर पे भी आप भेज सकते हैं और आपको वो प्राप्त हो जाएगा। इंटीग्रेटेड प्रमोशनल सपोर्ट एक अलग तरीके का सपोर्ट है, जैसा कि मैंने अभी बात की, ओयो, शॉपर्स स्टॉप, ट्रिबू जैसे कई अन्य कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जिनका हम पूरा पूरा लॉन्ड्री लोड, पूरा पूरा ड्राई क्लीनिंग लोड या अदर देन दैट कोई भी उनकी क्लीनिंग या हाइजीन से रिलेटेड फैसिलिटीज हैं उनका टाई अप करके हम अपने फ्रेंचाइजीज तक पहुँचाते हैं, और इसका लाभ हमारी कंपनी और हमारी फ्रेंचाइजी दोनों लोग मिलकर उठाते हैं। कंपनी के खुद के बिल्ड CRM और मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसकी वजह से हम इंश्योर कर पाते हैं कि कस्टमर्स को हमेशा एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, चाहे वो हमारे एप्लीकेशन के थ्रू हम तक पहुँचें, चाहे वो हमारी कस्टमर केयर नंबर के थ्रू हम तक पहुँचें, चाहे डायरेक्टली हमारे स्टोर में विजिट करें। जैसी फोटो देख पा रहे हैं ऐसे ही हमारे सारे स्टोर क्लीन एंड क्लियर, हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन के साथ, एक बढ़िया से इंटीरियर के साथ कस्टमर्स को लाइव प्रोसेसिंग देते हैं। कस्टमर बैठ के देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका कपड़ा, उनका सामान प्रोसेस किया जा रहा है, कौन से केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, किस तरीके की प्रोसेसिंग के थ्रू उनके कपड़े को हम प्रोसेस कर रहे हैं, क्या माहौल हाइजेनिक है या नहीं है, इस तरीके के जितने भी तमाम डाउट्स होते हैं आज की डेट में नए मॉडर्न कस्टमर्स और कंज्यूमर्स के अंदर, उन सारे डाउट्स को हम रिजोल्व करते हैं। CCTV फीडबैक सिस्टम, हर एक स्टोर में हमारे CCTV सिस्टम्स लगे हुए हैं जिनका डायरेक्ट फीडबैक हमारे हेड ऑफिस में मिलता है हर एक स्टोर का। हम इंश्योर करते हैं कि किसी भी स्टोर पे, कहीं पे भी किसी भी तरीके की इस तरीके की घटनाएं ना घटें जिनकी वजह से हमारे कस्टमर्स को या हमारी फ्रेंचाइजी को किसी भी तरीके से लॉस का सामना करना पड़े। इसके लिए हमारी डेडिकेटेड टीम है जो इसको इंश्योर करती है कि किसी भी तरीके से ये सारी सर्विसेज या इन सारी प्रोसेसिंग के अंदर किसी भी तरीके का कोई होल झोल ना हो। और अभी अगर कभी ऐसा लगता है कि हमें कोई चीज़ गलत जा रही है तो हम डायरेक्टली हमारा पुश टू टॉक सिस्टम के थ्रू आपके स्टोर के अंदर, आपकी फ्रेंचाइजी के अंदर हमारी आवाज़ पहुंच जाती है। हम उनको गाइड करते हैं कि इस तरीके से काम करना है और इस तरीके से नहीं करना है, और ये जितने भी अपडेट्स हैं आपके ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको हमेशा मिलते रहते हैं।
मशीन ब्रेकडाउन सपोर्ट, जाहिर सी बात है मशीन बहुत ही कमर्शियल लेवल की मशीन है, बहुत हाई फाई मशीन है, इसका एक्सक्लूसिव और डायरेक्ट इम्पोर्ट हमारी कंपनी के पास है। तो आपको सपोर्ट लेने के लिए यूएसए या यूके नहीं जाना पड़ेगा, आपको कहीं भी नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आईवो शॉप को इंटीमेट करना है और विद इन 48 आवर्स आपका जो मशीन है उसको हम दोबारा से चालू कर देते हैं। 8 साल के कैरियर में जो मशीन हमने अभी तक सप्लाई की हैं, शायद ही किसी मशीन में, मेरी नॉलेज में नहीं है कि किसी मशीन में हमें इस तरीके की कोई ट्रबल आई हो। लेकिन फिर भी एज अ कॉन्सेप्ट ये हमने सपोर्ट सिस्टम दिया हुआ है कि बाय एनी चांस कभी ऐसा कुछ हो जाता है तो वी आर ऑलवेज देयर विद यू, विद इन 48 आवर्स हम आपके पास तक होंगे। अब इन स्टोर्स में एम्प्लॉयज भी काम करेंगे जिनका जिम्मा भी हमारा है, चाहे आपके लॉन्ड्री मैनेजर्स हों, चाहे आपके लॉन्ड्री मैंस हों, चाहे आपके डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स हों, सबका अपॉइंटमेंट, सबकी ट्रेनिंग, सबका सर्टिफिकेशन हम खुद करवाते हैं। उसके बाद में हम आपको ये सारे स्टाफ जो है वो मुहैया करवाते हैं आपकी लोकेशन के ऊपर। इनका कोई भी एक्सेस चार्ज, इनका कोई भी बैकअप सपोर्ट का चार्ज हम आपसे नहीं लेते हैं। सारे स्टोर्स में मंथली ऑन स्पॉट ट्रेनिंग एंड फॉलोअप मिलता है, हमारी टीम की तरफ से लोग हमेशा मौजूद होते हैं आपको फिजिकली स्टोर पे सपोर्ट करने के लिए। कभी भी लगता है कि चीज़ें इधर उधर जा रही हैं, आप हम तक तुरंत पहुंच सकते हैं और आपको तुरंत उस चीज़ का रेजोल्यूशन दिया जाएगा। डोर स्टेप केमिकल्स और पैकेजिंग सप्लाई हैं, यानी कि जितने भी रॉ मटेरियल्स इस बिजनेस की इस कॉन्सेप्ट के थ्रू कोरिलेटेड हैं उन सबको हम डोर स्टेप सप्लाई देते हैं आप तक आने वाले लगातार हमारे जितना भी टेन्योर है एग्रीमेंट का उस टेन्योर तक। ये बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेस होता है, आपके घर से कपड़े पिक किए जाते हैं, उनको वे किया जाता है, उनको काउंट किया जाता है हमारे CRM पे, उसकी एंट्री होती है, उस एंट्री के बाद में हम इन सामान को प्रोसेस करते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट, उनकी फिनिशिंग की जाती है, उनकी पैकेजिंग की जाती है और उसके बाद उनकी डिलीवरी कर दी जाती है। इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे का समय लगता है। तो अब हम इस प्रेजेंटेशन को ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं एंड ये कुछ डिटेल्स हैं, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें लोग वो इसको ले सकते हैं। और मैं मिस्टर अशोक गुप्ता जी से ये गुजारिश करूंगा कि सर अगर अब हम क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ बढ़ सकते हैं तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू प्रोसीड विद द क्वेश्चन आंसर्स राउंड। ओके यस, किसी को यस सर से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाके रेजेंड कर दीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वारी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स, यस रवि प्रसाद हेलो हेलो हाय जी रवि जी बताएं सर कैसे हैं सर। गुड हाउ आर यू। आई एम जस्ट डूइंग फाइन। अच्छा यू हैवंट टच द कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। डेफिनेटली सर, वी विल डेफिनेटली स्पीक अबाउट द कमर्शियल एस्पेक्ट आल्सो। Mr. Ravi, can I just know from which city you are calling right now? Jamshedpur. Jamshedpur. And in which kind of business you are right now? Abhi aap kya kar rahe ho professionally? I'm into retail. Aap retail, wahi main jana FMCG ya kis cheez? Nahin, garments. Garments. Okay. So you have a pretty decent knowledge about garments and all those stuff, I guess. Maybe. Okay. So, होता क्या है सर, कमर्शियल एस्पेक्ट कई तरीके से होता है। राइट नाउ द मॉडल्स वी हैव डिस्कस्ड, मैं इस कन्वर्सेशन को हिंदी में करूं, कोई दिक्कत तो नहीं सर आपको? आइदर वे आई एम ओके विद दैट। ओके, बिकॉज़ कई सारे लोग और सुन रहे हैं इस क्वेश्चन को तो उनको भी उनका आंसर मिल जाएगा। हां हां ठीक है, किसी भी नो प्रॉब्लम। ओके, तो सर जैसा मैं बोल रहा था कि कमर्शियल एस्पेक्ट कई तरीके से डिफरेंट होता है, ये जो स्पेसिफिक मॉडल्स हमने वर्कआउट किए हैं फिलहाल के लिए, ये सारे मॉडल एक डोमेस्टिक ऑडियंस को ज्यादा टारगेट करते हैं रेदर देन कमर्शियल ऑडियंस को। हम कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे भी वर्क करते हैं, वो कस्टमाइज होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। सपोजिंगली अगर आप 5 होटल्स के लिए एक लॉन्ड्री सेटअप करना चाहते हैं, या आप 10 होटल्स के लिए करना चाहते हैं, या आपने कहीं से कोई गवर्नमेंट टेंडर वर्कआउट किया है किसी हॉस्पिटल के लिए, कोई 2 हॉस्पिटल्स के लिए, 400-bed हॉस्पिटल्स के लिए, तो उसके हिसाब से एक कस्टमाइज सेटअप क्रिएट करना होता है जिनके थ्रू हम इन सर्विसेज को अपने क्लाइंट तक पहुँचा सकें। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी प्रोजेक्ट वॉल्यूम के ऊपर और आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी के ऊपर। अगर हम कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हम 15 लाख रुपए से लेकर के 2-3 करोड़ रुपए तक इन प्रोजेक्ट्स को एस्टेब्लिश कर सकते हैं अगर हम कमर्शियल प्रोजेक्ट की बात करें। लेकिन अगर डोमेस्टिक स्टोर्स की बात की जाए
तो इनमें पहली चीज तो जितने भी आई वॉश के डोमेस्टिक स्टोर्स हैं, किसी भी स्टोर में हम हॉस्पिटल का लोड नहीं लेते हैं, तो ये कस्टमर्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज होती है कि उनके कपड़े कभी भी ऐसी लोकेशन पे नहीं किए जा रहे हैं जहां पर हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी या नर्सिंग होम जैसे अलग अलग जगहों के कपड़े धुले जा रहे हो। तो ये टोटली रेस्ट्रिक्टेड है हमारे सभी आई वॉश स्टोर से कि हॉस्पिटल का कपड़ा किसी भी स्टोर में लोड नहीं किया जा सकता। रवि जी, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिला या आप और कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, द कॉस्ट ऑफ अ डोमेस्टिक सेटअप वी वर जस्ट डिस्कसिंग, उसका कितना? बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। यहाँ पर क्या है, हमारे पास तीन तरीके के डोमेस्टिक सेटअप्स हैं। जैसा कि हमारा पहला सेटअप है जिसको हम एक्सप्रेस के नाम से डिनोट करते हैं। इस एक्सप्रेस सेटअप के अंदर मैं आपको सर एक सेकंड, मैं आपको स्क्रीन शेयर भी कर दे रहा हूँ, हमारे बाकी लोग भी इसको स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट फॉर दिस, मैं आपको दिखाता हूँ, यू विल गेट टू हैव अ कंपैरेटिव है ना असेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। भानु, सबको दिखाई दे रहा है ये जो मैंने शो कर रहा हूँ अभी? यस सर, यस सर, यस सर। रवि जी दिखाई दे रहा है ये? रवि जी, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्सप्रेस जो हमारा सबसे पहला मॉडल है जिसमें 8 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होता है और 120 से 150 स्क्वायर फीट की स्पेस रिक्वायर्ड होती है। एक सिंगल स्टाफ भी इस स्टोर को ऑपरेट कर सकता है। इसमें कैफे का कोई प्रोविजन नहीं होता है, मशीन इंस्टॉल होती है लेकिन सारी मशीन इंस्टॉल नहीं हो पाती। अगेन, इसका इन्वेस्टमेंट बजट काफी लो है और इसका एरिया भी काफी लो है, तो ये एक स्टार्टिंग के एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सही प्रोजेक्ट है जो कि सारी तरीके की सर्विसेज ऑफर करता है। और इसका नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो 80,000 रुपए तक हम स्कोर कर सकते हैं जो कि नॉर्मल एक एवरेज बिजनेस सिनेरियो में 50 से 70,000 रुपए तक आराम से आता है। अब इसको स्टार्ट करने के लिए 8 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसके अलावा इकोनॉमी है जिसमें 13 से 14 लाख का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। 2.0 है, इसमें 18 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। दोनों के एरिया रिक्वायरमेंट आपको दी हुई है 250 से 300 स्क्वायर फीट और 500 से 700 स्क्वायर फीट। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो 2 से 3 लोगों का स्टाफ चाहिए। 2.0 की बात करें तो 3 से 4 लोगों का स्टाफ चाहिए। कैफे ऑप्शनल होता है इकोनॉमी में, अगेन स्पेस थोड़ी छोटी होती है, तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका रियल इस्टेट है उसको हम यूटिलाइज करें अपनी प्रोसेसिंग में, ना कि कैफे में। इसके बाद में यहाँ पर मशीन सारी अवेलेबल होती हैं, सर्विस सारी ऑफर की जाती हैं, महीने की रेवेन्यू ठीक ठाक निकलती है और उस रेवेन्यू के आधार पर अगर हम प्रॉफिट देखें तो 1,20,000 से 1.5 लाख रुपये तक का प्रॉफिट स्कोर किया जा सकता है। अगेन सेम इसी तरीके से हम 2.0 को भी देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं। अब अगर हम 4.0 की तरफ आते हैं सर, यहाँ पर जो हमारी कैलकुलेशंस हैं ये कमर्शियली आप मान करके चलिए 25 से 30 लाख रुपए का अगर हम एक सेटअप वर्कआउट करते हैं तो यहाँ पर 20 से 25 रूम के 8 से 10 होटल्स के लॉन्ड्री हम उठा सकते हैं 4.0 या सेमी कमर्शियल सेटअप से। इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें हॉस्पिटल लॉन्ड्री में तो वो भी किया जा सकता है, जिसके अंदर हम कम से कम 450 से 450 बेड की हॉस्पिटल लॉन्ड्री भी कर सकते हैं। रवि जी, यस, आपको सर ये स्टार्ट के थ्रू डिस्क्रिप्शन समझ में आ रहा है इसका? हाँ, डिस्क्रिप्शन समझ में आ रहा है। उसका कुछ आरओआई का पूरा ब्रेकअप इन्वेस्टमेंट का है, इज देयर अनदर शीट फॉर दैट? बिल्कुल सर, दैट इज प्रेजेंटेड हियर बट आई वुड लाइक टू शेयर इट इंडिपेंडेंटली विद यू। उसके रिगार्डिंग, हाँ जी सर, उसके रिगार्डिंग आप दो चीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी कैन डू इज हम यहाँ पर जो है आप अपना नंबर ड्रॉप कर देंगे चैट बॉक्स में जिसके थ्रू हम आप तक पहुँच जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप नंबर नहीं ड्रॉप कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से तो आप हमारी स्क्रीन पे अभी फ्लैश होने वाले नंबर्स का स्क्रीनशॉट लें और हमको व्हाट्सएप पर एक इंक्वायरी ड्रॉप कर दें कि आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस एंड वी हैड अ चैट इन अवर वेबिनार, सो डेफिनेटली वन ऑफ माय टीम मेंबर विल डेफिनेटली रीच यू अप देयर। ओके, आई विल डू दैट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। मिस्टर भानु, एनी मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सेम? यस विजय जी, यस विजय जी बोलिए। सर, मैं रायगढ़ से बात कर रहा हूं।
आप कहाँ से बात कर रहे सर? रायगढ़ नियर नवी मुंबई। ओके सर, ओके बताएं सर, आपका मुंबई या नवी मुंबई में कुछ आपका है? नहीं सर, फिलहाल नवी मुंबई, मुंबई में हमारा स्टोर नहीं है। वी आर वर्किंग विद अ मास्टर फ्रेंचाइजी राइट नाउ। हम कोशिश कर रहे हैं पुणे एंड मुंबई के लिए हम प्रॉपर मास्टर फ्रेंचाइजी अपॉइंट करें, और अभी हम उसकी तलाश में भी हैं। हमारी कई पार्टी से बात चल रही है। फिलहाल पुणे के अंदर हमने एक स्टोर अपना क्लोज कर लिया है। वी हैड अ डील इन पुणे। लोकेशन मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा आपको, एंड वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू क्लोज अनदर डील इन पुणे इटसेल्फ। तो आप अगर मुंबई या पुणे के लिए करना चाहते हैं तो आप बुकिंग करा सकते हैं। मिनिमम 40,000 का बुकिंग अमाउंट है, जिसके अंतर्गत हमारे 3 स्टोर अभी बचे हैं जिन पे हम 100% मनी बैक गारंटी को ऑफर दे रहे हैं। आप कोई मुझे और एक क्वेरी था कि क्लाइंट कैसे मिलेगा मुझे, आप हेल्प करेंगे या मुझे वर्क करना पड़ेगा? सर इसके अंदर मैं इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज को ब्रीफ में अगर बताऊं आपको, सर क्या करना है आप बस इतना समझिएगा, उसके अलावा जो भी कुछ है वो हम करेंगे। आपको सर सिर्फ सुबह अपनी जो दुकान, आपकी जो अपना शोरूम, अपनी शॉप होगी, उसको टाइम से खुलवाना है, ठीक है? उसमें जो कलेक्ट होने वाला कैश है उसको आपको सही से डिपॉजिट कराना है, और शाम को तय समय पे आपको शोर बंद कर देना है। बस इतना ही करना है मुझे। आपको सर सिर्फ इतना करना है। एमएसएमई के यहाँ से आप बोल रहे लोन मिलेगा, बिल्कुल इसमें 100% लोन मिलेगा कि कैसा होगा? मैं सर इस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ, पहले मैं पहला वाला क्वेश्चन आपका क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कहीं और भी लोग हैं जिनको ये समझने की जरूरत थी, तो सबको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो जैसा मैंने बोला कि 5% जो काम है वो सिर्फ आपको करना है, इसके अलावा आपके स्टोर को बनाना, उसको चलाना, उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग, उसका प्रमोशन, वहां पर सेलिब्रिटीज को लाना, उनके थ्रू स्टोर इनोग्रेट कराना, आपके स्टोर की मार्केटिंग करना, यूट्यूब एड्स शूट करवाना अलग अलग सेलिब्रिटीज को लेकर के, उनको लोकल टीवी चैनल पे चलाना, आपके पेपर एड्स देना, आपके बैनर एड्स देना, आपके इंस्टाग्राम रेडियो एड देना, ये जितनी भी प्रमोशन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग की चीजें हैं ये करना, आपकी स्ट्रेटजीज वर्कआउट करना, आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज वर्कआउट करना, आपके स्टोर को प्रॉफिट तक लेकर के जाना, ईवन तक लेकर के जाना, ये जितनी भी चीजें हैं, साथ ही साथ आपके एम्प्लॉयज को मार्केट से ढूंढ के ट्रेन करके आपके स्टोर पे डिप्लॉय करना भी, या अगर कोई एम्प्लॉय काम छोड़ के भाग भी जाता है, सर जाहिर सी बात है एचआर है, आप किसी को बांध करके नहीं रख सकते, कई बार एम्प्लॉयज काम छोड़ के भाग जाते हैं, वो एक ऐसा सिचुएशन होती है जहां पर आप हेल्पलेस हो जाते हो, आप खुद से भी नहीं कर सकते, आप किसी और को उठा करके तुरंत अपने स्टोर पे चले जा सकते हैं। तो इन सब सिचुएशंस में आई वॉश अब हमेशा आपके साथ रहती है। हम ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे कस्टमर केयर सपोर्ट हो, चाहे एचआर सपोर्ट हो, किसी भी तरीके का सपोर्ट हो, ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आपको कोई अलग से इसकी एडिशनल फीस या एडिशनल चार्जेस नहीं देने होते, ये सारी चीजें हम इंश्योर करते हैं कि हर एक स्टोर पे बराबर चले, और किसी भी स्टोर में हम इन सब चीजों की कमी नहीं आने देते। तो कितनी चीजें हैं ये हम करेंगे, और जो मैंने आपको बताया आपके जिम्मे पे जो काम रहेगा वो आपको करना है, उन चीजों को आपको देखना है। ब्रांड मैनेजमेंट हम, स्टोर मैनेजमेंट आप देखेंगे थोड़ा सा, ओके है ना। अभी आ जाते हैं सर दूसरे क्वेश्चन पे, एमएसएमई लोन पे। अभी विजय जी आप क्या कर रहे हैं अभी प्रोफेशनली, मैं जान सकता हूँ? तो मैं आपको थोड़ा अच्छा सा, मैं आईटी मैनेजर हूँ, कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मैं अपने वाइफ के लिए देखा था। काफी अच्छे हाइक पे, तो अगर आप मैम के नाम पर भी अगर उसको करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी। आपको लोन जो मिलता है वो 100% मिलता है कि नहीं, इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर दूं तो सर एमएसएमई क्या है, एक तरीके से गवर्नमेंट की एक यूनिट है जो कि अपकमिंग जितने भी आपके अच्छे छोटे बड़े कॉन्सेप्ट हैं उनको प्रमोट करती है, ठीक है? आपको सर 100% लोन भी मिल सकता है, 70% भी मिल सकता है, 60% भी मिल सकता है। हमारी प्रोफाइल, हमारे ब्रांड की, हमारे कॉन्सेप्ट की जो जाती है उसके तहत आपको 100% मिल सकता है। नेक्स्ट जो उसका वैल्यू है वो डिसाइड करती है आपकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी, आपकी अप्रोचेस, ठीक है? अगर मैं बात करूं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पुराने टाइम में लोन डिफॉल्टी रहा है, या उसने ईएमआईज मिस किए हैं, इस तरीके का अगर क्रेडिट स्कोर उसका खराब है, तो उस केसेस में हो सकता है 70-80% ही लोन सैंक्शन हो, ठीक है? अगर किसी की क्रेडिबिलिटी अच्छी बनी हुई है, उसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में अच्छी है, उसकी ITR जाती है अच्छे से, सारी चीजें सुटेबल है गवर्नमेंट के लिए लोन देने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 100% तक भी लोन मिल सकता है। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर इश्यूज आते हैं, बट हमारी कंपनी हमेशा आपके सपोर्ट में रहेगी।
सपोजिंगली अगर आप डिसाइड करते हैं कि आई वॉश के साथ आगे बढ़ना है, आप मिनिमम 40,000 रुपीज से अपनी बुकिंग कराइए, आपकी मनी बैक गारंटी, आपकी सारी चीजें इंश्योर हो जाएंगी, एक LOI साइन होगी, लेटर ऑफ इंटेंट आपके साथ में, उस लेटर ऑफ इंटेंट के बिहाफ पे हम आपकी एक प्रॉपर DPR बनवा करके आपको दे देंगे, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर आपके बिहाफ पे बिजनेस को प्रोजेक्ट करते हुए 3 साल की सारी स्टेटमेंट्स होंगी जो कि आपका बैंक डायरेक्टली प्रोसेस करेगा। अगर इस प्रोसेस में भी कोई समस्या आती है तो हम आपके साथ खड़े हैं, आपको कहीं पर भी अकेले नहीं रहना पड़ेगा विजय जी कि आप फंसे हैं वहाँ पे फंसे हैं। हम पूरा ये इंश्योर करेंगे कि आपका जो है लोन जल्द से जल्द और आराम से सैंक्शन हो जाए। यस मिस्टर शकील जी। हेलो। यस मिस्टर शकील जी बोलिए। जी हेलो सर, हाउ आर यू? अजी शकील जी बहुत बढ़िया हूँ सर, आप बताएं आप कैसे हैं? हाँ बस ठीक है जी सर जी। अब जैसे कि आपने जो आपका कंसेप्ट बताया वो तो मेरे जहन में लास्ट ईयर में USA में ही था। ओके सर, कहाँ थे? USA में। मैं गुजरात भरूच से बोल रहा हूँ सर जी। ओके मैं पूछ रहा हूँ सर, आप USA में कहाँ थे, किस स्टेट में थे या किस? बोस्टन। बोस्टन। ओके, यू इन बोस्टन? बोस्टन लास्ट ईयर। 15 साल से मैं साउथ अफ्रीका में था वैसे। ओके। और अभी लास्ट मंथ मेरा प्लानिंग था लेकिन अभी कोरोना की वजह से नहीं जा सका। ओके। तो मैं वही सोच रहा हूँ, अब ये जो मैंने कल आया हुआ है इसका कंसेप्ट आपका फेसबुक के ऊपर, तो मैंने इसको साइन अप किया, मैंने आज सुबह में भी मीटिंग अटेंड की लेकिन जो नेटवर्क कवरेज के लिए वो सही से पता नहीं चला। अभी वापस आपके आपके साथ अभी कंसल्ट कर रहा हूँ 1 घंटे से। तो अब मैं गुजरात में हूँ भरूच से। ओके सर, सही है। तो मुझे इसका थोड़ी ये जब भी नेटवर्क यहाँ पे बहुत इतना पावरफुल नहीं आ रहा था तो वॉइस और ये कई चीज़ें तो हो रही थी। तो जैसे कभी इसको अपने स्टार्टअप करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं सर जी? सर इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आपको मिनिमम 40,000 रुपीज़ का बुकिंग अमाउंट डिपॉजिट करना है कंपनी में। ओके ठीक है। इसके बिहाफ पे आपको LOI और इससे सपोर्टेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है। आपकी LOI, आपको LOI मिलने के विद इन 3-4 वर्किंग डेज हमारी टीम फिजिकली आपके पास मौजूद होगी। ठीक है। आपको बिजनेस के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें गाइड अप होनी है वो सारी गाइड कर दी जाएंगी, आपके स्टोर की पूरी वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपके स्टोर पे विद इन अ वीक काम स्टार्ट भी हो जाएगा और आने वाले 20-25 दिनों के अंदर आपका स्टोर ऑपरेशनल भी कर दिया जाएगा। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में आपको 30-35 दिन का समय लगेगा और हमारी रेवेन्यू आनी स्टार्ट हो जाएगी बिजनेस से। ओके जैसे कभी फर्स्ट अभी यहाँ पे जैसे कभी गुजरात में मेरे इलाके में भरूच में है अभी जैसे कि नॉर्मल सब लॉन्ड्री और ये और अपने फैमिली लोग के हिसाब से यूज़ करें, ये कंसेप्ट इन लोग के जहन में भी हम लोग के नया ही है, इन लोग को पता ही जा, लेकिन देश अंदर जो है यहाँ पे ऑफिशियली देखा ही तो उसके रिगार्डिंग मेरे जहन में शायद इसके बिजनेस का कुछ सेटअप हो सकता है। सर बिल्कुल हो सकता है सर। सर आप ये मान करके चलो सर, एक अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ, आपने सर ऑलमोस्ट है ना आपने 2-3 कॉन्टिनेंट घूमे हुए हैं, तो यहाँ पे सर इंडिया की बात करूँ तो सागर रत्ना नाम से एक डोसा की कंपनी है, फ्रेंचाइजी देती है। और पूरे भारतवर्ष में सर, भारतवर्ष में क्या पूरे वर्ल्ड में डोसा खाया जाता है जगह जगह। सही। अगर सागर रत्ना की बात करूँ सर तो 75 लाख रुपए सिर्फ फ्रेंचाइजी फीस लेता है सागर रत्ना, 75 लाख रुपए मिनिमम। ओके। 75 लाख रुपए में सागर रत्ना आपको सिर्फ सागर रत्ना का बोर्ड और उनका लोगो यूज करने की परमिशन देता है। इसके अलावा जो आपका सेटअप कॉस्ट है, जो आपके एम्प्लॉयज की सैलरी है, जो आपका इंटीरियर है, वो सब एडिशनल है। तो मेरे कहने का मतलब है सर, डोसा तो डोसा होता है, चाहे वो ठेले से खाया जाए, चाहे रेस्टोरेंट से, चाहे सागर रत्ना से, लेकिन खाने वाले सर सागर रत्ना से भी खाते हैं, खाने वाले ठेले से भी खाते हैं और खाने वाले रेस्टोरेंट से भी खाते हैं। डेफिनेटली। कहने का मतलब ये सर, लॉन्ड्री तो हजारों सालों से होती हुई आ रही है, चाहे मैं सर गुजरात की एक सिटी की बात करूँ, चाहे मैं महाराष्ट्र की एक सिटी की बात करूँ, जिस सर्विस को सर हम मार्केट में दे रहे हैं इसकी रिक्वायरमेंट हर जगह इक्वली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी बिल्कुल। तो सर मैं तो ये चाहूंगा कि भारत के एक एक कोने में, एक एक शहर में, जहाँ पे भी लोग कपड़े पहनते हैं सर और कपड़े धोते हैं, वहां पर मैं आई वॉश अप को लेकर के पहुंचूं। और गुजरात तो सर अपने आप में एक अलग ही है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट सिटी तो नहीं मैं कहूंगा, तो इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेट है खुद में। तो जितने भी नए कॉन्सेप्ट हैं अहमदाबाद से लेकर के, गांधीनगर से लेकर के, जितनी भी लोकेशंस हैं,
जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हाथों हाथ लिए जाते हैं और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 99% ऑफ द कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल ही होते हैं। तो ये तो सर बहुत बेसिक सी चीज है, ये तो रोजमर्रा का काम है। आदमी कपड़े पहनेगा तो धुलेगा जरूर, आदमी जूते पहनेगा तो धुलेगा जरूर, गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी धुलवाएगा जरूर। तो ये है सर, तो इसमें बताएं सर हम लोग किस तरीके से आगे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आप हम आपको पूरी सहायता देंगे। अब मैं वही अपना स्टार्टअप सेटअप का क्या कॉस्टिंग इसकी है और किस तरीके से, क्योंकि बीच बीच में जो आवाज़ इसकी कट गई थी तो कोई पता ही नहीं चल रहा क्या सर। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ और हम क्या करेंगे सर, स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सर, आर यू कंफर्टेबल? हाँ स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखे वो 7398। एक काम ये करिएगा जी जी हाँ, तो एक काम करते हैं सर, आफ्टर दिस मीटिंग इज ओवर, जब ये मीटिंग ओवर हो जाएगी तो आप एक बार एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है? नो प्रॉब्लम। और उस मैसेज को हम रिप्लाई करते हुए हम डायरेक्टली एक बार है ना टेलीफोनिकली बात कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, एक चीज आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन पे, आपको दिख जाएगी, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा सर, आप इसका सर एक स्क्रीनशॉट ले लें, है ना? और जिसमें कि हम 8 लाख का एक कॉन्सेप्ट है, एक है 13 से 14 लाख का स्टोर वेरिएंट है और एक है 18 से 20 लाख का। तो जिसको भी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर सूट करता है वो उसके अकॉर्डिंग हमारे साथ जुड़ सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम 8 लाख। तो शकील जी मैं सर आपके आपकी इंडिविजुअल क्वेरी मैंने यहाँ पर नोट डाउन भी करवा दी है, प्लस आप एक बार मैसेज कर देंगे तो जाहिर सी बात है हम आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके यस गैलेक्सी A70 यस सर। हेलो यस बोलिए। हेलो हेलो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। यस किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाके रेज हैंड कर दीजिए। मिस्टर भानु देयर वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग आई गेस वी मिस्ड इट अबाउट द बायबैक गारंटी के बारे में कोई पूछ रहा था कुछ। यस आप बता दीजिए सर पहले। यस जी दो क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, वो बायबैक गारंटी के बारे में ही पूछना चाह रहे हैं। हां हां थोड़ा सा वो कर दीजिए। हां हां वो कर दीजिए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। तो होता क्या है फ्रेंड्स, अधिकतर कई सारे बिजनेसेस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा डाउट रहता है हमारे अंदर की ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, कहीं पैसा ना फंस जाए, कहीं पैसा डूब ना जाए, इस तरीके के कई सारे सवाल होते हैं। ऑल्दो हमारे बिजनेस का जो सक्सेस रेशियो है वो मोर देन 98% है, लेकिन लोगों के डाउट्स हैं, जाहिर सी बात है आप अपना पैसा लगाते हैं, आपको उसकी सिक्योरिटी भी चाहिए होती है। तो आज के इस कॉम्पिटिशन के दौर में जहाँ पर सिक्योरिटी दे पाना किसी भी चीज़ के लिए बहुत मुश्किल है, चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, बट स्टिल आई वॉश अब ये चीज़ें एक हद तक आपके लिए देता है और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं लिमिटेड स्टोर के लिए लिमिटेड टाइम के लिए। अभी हमारे पास 3 ऐसे स्टोर की भी फ्रेंचाइजी बची हुई है जिसके थ्रू हम आपको मनी बैक गारंटी दे सकते हैं। ओके 8 स्टोरों के लिए निकाली गई थी जिसमें से 5 स्टोर हमने ऑलरेडी बुक कर दिए हैं। तो इन बाई बैक गारंटी में क्या होगा, बाई बैक गारंटी में आपको कुछ नहीं करना है, 8 जून से पहले पहले या जितना जल्दी हो सके आप अपना एक स्टोर बुक कराएं। मात्र 40,000 रुपये के अमाउंट में आपका स्टोर बुक होगा, आपकी LOI साइन हो जाएगी, आपको आपका एरिया डेजिग्नेटेड कर दिया जाएगा। इस एरिया को देने के बाद में आपको हम क्या करेंगे, आपको बाई बैक गारंटी के अंतर्गत एक सिक्योरिटी देंगे, एक इंश्योरिटी देंगे आपके आपके एग्रीमेंट के ऊपर, बाकायदा सरकारी डॉक्यूमेंट आपके स्टैम्प पेपर पर रजिस्ट्री के साथ लिख के मिलेगा कि अगर आने वाले 1 साल के अंदर 8 महीने के दौरान अगर आप अपने बिजनेस को एक स्कोप पे नहीं लेके जा पाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकाल पाते हैं, आपका रेवेन्यू आपके एक्सपेंसेस को नहीं मीटअप कर पाता है, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो आप कंपनी को 100% पैसा वापस लेने के लिए क्लेम कर सकते हैं और ये क्लेम 8 महीने के लॉक इन पीरियड के बाद में आप कभी भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने जनवरी में बिजनेस स्टार्ट किया है और 8 महीने बाद हमें लगता है कि यार बिजनेस इज नॉट बीइंग प्रॉफिटेबल फॉर मी,
तो दिसंबर से पहले पहले आपका पूरा पैसा वापस आपका स्टोर आपसे कंपनी बायबैक कर देगी। कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, किसी भी तरीके की कोई इंक्वायरी नहीं की जाएगी। एक छोटा सा इंस्पेक्शन होगा जिसमें हफ्ते भर का समय लग सकता है, दैट्स इट। हफ्ते भर के अंदर आपका ये क्लेम जो है आगे सेंक्शन कर दिया जाएगा और आपको जल्द से जल्द जो है इस पैसे को पूरी तरीके से हम वापस कर देंगे। ये सारी चीज़ें लिखित में होंगी, मुँह जबानी इसका कोई वो नहीं है। तो ये हमारी 100% मनी बैक गारंटी है। 8 जून तक का ऑफर था, 6-7 दिन बचे हैं। जो लोग दोबारा से सेमिनार को ज्वाइन कर चुके हैं, जो आगे करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि आप इसको जल्द से जल्द कर लें, आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग इसके अपॉर्चुनिटी के तहत नहीं भी आ पाते हैं, उनके लिए भी कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको बैकबैक गारंटी नहीं भी मिलती है तो भी आपको कंपनी का पूरा सपोर्ट है, और कोशिश हमारी यही होगी कि हम 2-3 महीने के अंदर आपके स्टोर को प्रॉफिटेबिलिटी में लेकर के आएँ, और ना ही हमें इस बायबैक गारंटी का लाभ उठाना पड़े। जिनको बायबैक गारंटी मिल भी रही है, हम भी चाहेंगे कि आप कभी सिचुएशन में ना आए कि आप इस गारंटी को क्लेम करें। लेकिन आपके लिए जस्ट एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटी सी सिक्योरिटी है, ताकि आपको हमेशा विश्वास रहे कि मैं डे वन से सिक्योर हूँ और बिजनेस करने में मुझे किसी भी तरीके का कोई भी डर या खौफ नहीं है कि मेरा पैसा डूबेगा या कहीं बर्बाद ना हो जाए। जी भानु जी, आई गेस जो सर की क्वेरी थी मनी बैक गारंटी की, हमने सॉर्ट आउट कर दी है। ओके सर, यश जी, राहुल जोशी जी हैं नागपुर से, उन्होंने लेट ज्वाइन किया है हमारे इस वेबिनार को। ओके, आपकी तरफ से सेल्स सपोर्ट क्या रहेगा, प्लीज एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए उस चीज को। ओके, सेल्स सपोर्ट डेफिनेटली। ओके, सो सेल सपोर्ट क्या रहेगा हमारे एंड से, आप ये मान करके चलें आज हमने LOI बुक की, LOI साइन की, आपने बुकिंग अमाउंट दिया, इसके हफ्ते भर के अंदर अंदर हम आपकी लोकेशन फाइनल कर देंगे, हमारी टीम आप तक पहुंचेगी, लोकेशन फाइनल कराएगी। आपका स्टोर जिस दिन से बनना स्टार्ट होगा उस दिन से आपके लोकल एरिया में आपका प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगा। आपके फ्लायर्स छपेंगे, फ्लायर्स को हम न्यूज़पेपर्स के थ्रू लोगों तक पहुँचाएंगे, आपकी लोकेलिटी के अंदर इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू हम पूरी मार्केटिंग कैंपेनिंग स्टार्ट कर देंगे, यूट्यूब के थ्रू आपकी मार्केटिंग कैंपेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। कम से कम 2-5 हज़ार लोगों कस्टमर्स का, वैलिड और जेन्युइन कस्टमर्स का डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा स्टोर बनने के दौरान। सेलिब्रिटी फाइनलाइज किया जाएगा, सेलिब्रिटी के एंड पे हम इवेंट को प्रमोट करेंगे, आपके इनॉग्रेशन इवेंट को, आपके जितने भी 6-10 हज़ार जितने भी आपके प्रोस्पेक्टिव डेटाबेस हमारे पास रेडी होंगे उन सबको इनवाइट किया जाएगा कि ये अटेंड करें इस इनॉग्रेशन शो को। ये कस्टमर डेटाबेस आने वाले 1-3 साल तक आपके साथ ही रहने हैं। ये आपकी लोकेलिटी से ही लोग होंगे, ये वो लोग होंगे जो 2-4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको ज्वाइन करेंगे आने वाले आपके बिजनेस साइकिल के अंदर। हम स्टार्टिंग के 1-2 महीने के अंदर ही इतने कस्टमर्स को टारगेट कर देते हैं कि आने वाले 1-2 साल तक आपको कस्टमर्स की कमी नहीं होती है। आपके स्टोर पे कपड़े लोड भर भर के आता है। अगर विंटर सीजन की बात करूं तो कुछ कुछ हमारे स्टोर्स हैं जिनको वेयर हाउसेस लेने पड़ गए अलग से, क्योंकि इतने कंबल, इतनी चादर, इतने ब्लैंकेट्स आ गए कि उनके पास रखने की जगह नहीं बची। लेकिन ऑब्वियसली अगर कमाई हो रही है तो एक क्या आदमी 10 शॉप लेने के लिए सोच सकता है किराए पर, या खरीदना भी, जो लोग खरीद सकते हैं दोज़ हू हैव द कैपेसिटी। हमारे साथ कुछ ऐसी फ्रेंचाइजीज भी रही हैं जिन्होंने एक शॉप रेंट पे लेने के बाद 2-2 शॉप खरीद भी ली जस्ट बिकॉज वो इस कॉन्सेप्ट को एक्सपेंड करना चाहते थे। तो इस तरीके से हम कस्टमर्स को इकट्ठा करते हैं और सेल्स को बढ़ाते हैं। अब इसमें कई सारी ऐसी सेल्स भी होती हैं जो कंपनी के थ्रू रोटेट होके जाती हैं, कई ऐसी सेल्स होती हैं जो हमारे प्रमोशंस को देख करके डायरेक्टली स्टोर्स पे कॉल करते हैं कि सर हमारे यहाँ पे एक कपड़ा पड़ा है इसको सर उठवा लीजिए। कई ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो कॉल करके आते हैं कि सर आपकी शॉप खुली है मैं कपड़ा देना चाहता हूँ। तो मल्टीपल डायमेंशन हैं, मल्टीपल एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन हैं कस्टमर्स के पास, आपके कस्टमर केयर नंबर, हॉटलाइन नंबर से लेकर के प्रमोशन से लेकर के गूगल पे जा करके सर्च करने से लेकर के